आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैंगलियन सिस्ट के बारे में। तो ये एक तरीके की गांठ है जो रिस्ट पे आपको ज़्यादा कॉमनली दिखती है। ये मैलिग्नेंसी नहीं है, कैंसर नहीं है, ये एक बेनाइन सी स्वेलिंग है जिसके अंदर एक जेली की तरह फ्लूड भरा हुआ होता है। गैंगलियन का मतलब होता है नॉट या गांठ। तो ये एक सॉफ्ट टिश्यू का मास है या गांठ है जो कि कैंसर नहीं है और नहीं फैलती है। हालांकि साइज इस स्वेलिंग का धीरे धीरे बढ़ता जाता है, पर ज़्यादातर इसका जो कंसर्न होता है वो कॉस्मेटिक ही है। लोग इसको देख के परेशान होते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये बहुत रेयरली ही सिम्टम देती है, हल्का फुल्का पेन हो सकता है रिस्ट जॉइंट पे या उसके आसपास के एरिया में, पर जब सीरियस कंसर्न हम तब मानते हैं कि अगर ये स्वेलिंग अपने आसपास की किसी नर्व को, वेसल को या टेंडन को अगर प्रेस कर रही है तब ये एक सिग्निफिकेंट बात है। तो जो हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं, तो रिस्ट के अगर ये डॉर्सम पे है तो उसे हम डॉर्सल गैंगलियन बोलते हैं, रिस्ट के वोलर पार्ट पे है तो उसे हम वोलर गैंगलियन बोलते हैं, फुट के डॉर्सम पे है तो उसे हम डॉर्सल फुट गैंगलियन बोलते हैं। उसके अलावा शोल्डर जॉइंट पे और नी जॉइंट पे भी ये चीज़ होती है। तो अगर इस पे लाइट डालते हैं और ये ट्रांसल्यूमिनेट करती है तो ये स्वेलिंग जो है पक्के तौर पे गैंगलियन सिस्ट होती है, ये सॉलिड नहीं होती है, केवल फ्लूड होता है। तो ज़्यादातर केसेस में तो हम इसके लिए माइल्ड एनाल्जेसिक दे देते हैं, क्रैप बैंडेज को बोल देते हैं और पेशेंट को समझा देते हैं कि इट्स ए कॉस्मेटिक कंसर्न, इसके लिए कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर ये सिम्टम दे रही है और पेशेंट को काफ़ी परेशान कर रही है तो इसको हम एस्पिरेट कर देते हैं तो स्वेलिंग इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है, बट रिकरेंस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी कभी इसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन एस्पिरेट करने के बाद भी लगाया जाता है, बट रिकरेंस चांसेस बहुत हाई होते हैं। आखिरी ट्रीटमेंट इसका सर्जरी होती है कि जब इसके अंदर पेन बहुत ज़्यादा है, कॉस्मेटिकली ये आपको बहुत परेशान कर रही है और पेशेंट का कंसेंट है सब बातों को समझाने के बाद, या ये प्रेशर दे रही है किसी नर्व वेसल और टेंडन पे, तब इस स्वेलिंग को हम सर्जरी के द्वारा इस गैंगलियन को एक्सरसाइज करते हैं और बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। थैंक यू। आई थिंक यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑर्थो डी आर दिल्ली।